और जैसा मैंने कहा कि ये 60-40 रेशियो लाकर सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। 60-40 रेशियो आपको समझना होगा कि 60% तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, SC ST OBC EWS का वो अधिकार है, उससे कोई छीन नहीं सकता हित में, क्योंकि JMM की सरकार गलत नीति ला रही है। युवाओं के हित में अगर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती, विरोध प्रदर्शन करती तो ज़्यादा बेहतर होता। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन उसके लिए कर रही है जिससे उसको पॉलिटिकल फ़ायदा मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या युवा हो यहाँ के, वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि युवाओं को इसका हक कैसे मिले, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और यही लड़ाई अगर कांग्रेस भी लड़ती तो मुझे लगता है JMM अच्छा पॉलिसी बनाती, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। सरकार कभी बोलती है कि हम लोग 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, बीजेपी को भगाओ यहाँ पर, तो हम पोल प्रॉमिस में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो सरकार कहीं ना कहीं लाचार दिखती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, जिसका आज परिणाम है कि युवा ठगे से महसूस कर रहे हैं, युवा सड़क पर है। और ये 60-40 नहीं चलतो इसलिए नहीं चलतो क्योंकि जो 100 में 60 हमारा है, 100 में 60 हमारा है और 40 ही खतियानी नारा है। जो 40 को छेड़ेगा युवा उन्हें खदेड़ेगा, युवा उन्हें खदेड़ेगा, यही बात है। इसको मैंने सदन के अंदर रखा, युवाओं को जगाने के लिए एक मुहिम हम लोग छेड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कि युवा किस प्रकार 60-40 के भकावे में ना आए। ये गलत नीति है, युवाओं के हित में नीति नहीं है। और अगर युवा अगर सड़क पर ना आए तो ये सरकार जो दामनकारी सरकार है इसको लागू कर देगी, लागू करने की वर्ज में है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि चीज़ों को ठीक करे, स्पष्ट करे और इसका अच्छे से डिबेट सदन के अंदर। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अगर मेरे बजट के भाषण को लेकर अगर सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कुछ गलत तथ्य मैंने पेश किया है तो वो स्वतंत्र है उस चीज़ का उल्लेख करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा रहेगा नहीं, इसलिए क्योंकि जो बातें मैंने की अक्षरशः उसका जो पालन सरकार नहीं कर पा रही है, जिसका ये परिणाम था कि आज सरकार बस सुन रही थी, कुछ जवाब देने के पक्ष में नहीं था। चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे OBC आरक्षण हो, चाहे वो आपका खतियानी हो, चाहे वो सरना कोड हो, चाहे वो ST आरक्षण हो, इस पर कोई भी चीज़ में सरकार ने कंक्लूड नहीं किया। और जैसा मैंने कहा कि ये 60-40 रेशियो लाकर सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। 60-40 रेशियो आपको समझना होगा कि 60% तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, SC ST OBC EWS का वो अधिकार है, उससे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हम चाह रहे हैं कि 40% में भी खतियानी को प्राथमिकता मिले। इसको लेकर सरकार कहीं कोई पहल नहीं कर रही है। सरकार एक तरफ बोलती है 1932 का खतियान को हम लाएंगे, लेकिन दूसरे तरफ ओपन टू ऑल कर दे रही है 40%, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है जो सरकार की तरफ से प्रतीत हो रहा है। इसी को लेकर मैंने सरकार को चेताने के लिए कहा कि अभी जो होली का समारोह हुआ था, तो युवा यहाँ पर, तो युवा मुख्यमंत्री हमारे होली खेल रहे थे, लेकिन जो मेन युवा है जो सड़क पर थे वो क्या कह रहे थे? हेमंत आया साथ लाया शादी की उम्मीद, जब नौकरी मांगे युवा सड़क पर, दे लाठी से पीट पुलिसिया, दे लाठी से पीट, जोगीरा सारा रहा। नियुक्ति वर्ष घोषित कर दे ले एको ठो नहीं नौकरी होले, भत्ता मिलाना भीख यहाँ पर, पुलिसिया दे लाठी से पीट। ये सरकार का जो है ये चरित्र है। और हेमंत सोरेन जी इतनी बेशर्मी के साथ सरकार जो है युवाओं के मुद्दे से भटकाना चाहती है विपक्ष को, युवाओं को, जो कभी कहीं ना कहीं खेदपूर्ण है। तो हेमंत सोरेन जी का भी जवाब आया होली के दिन। हेमंत सोरेन जी ने कहा, बकरी बेचो, सुअर बेचो और बेचो तरकारी, 60-40 कर किया बेगारी, 60-40 कर किया बेगारी, नहीं मिलतो सरकारी नौकरी। ये हेमंत सोरेन जी का निश्चय है यहाँ के युवा के लिए, कोई कीमत पर हम लोग सरकारी नौकरी नहीं देंगे। और ये जो पोयम है, कविता है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि सरकार का अगर आप स्टेटमेंट शुरू से ही देखेंगे तो सरकार